सौंदर्य बाबा के पास, शीतलता बाबा के अनुभव करना, शांति के सागर बाबा के बहुत करीब, बाबा से वरदानों की, शांति की, शक्ति की, मेरे जन्म जन्म के पाप, हिसाब के पाप, कर्म भोग सब जैसे चलते रहे, उस महाज्योति के समान मैं दिवाएं देवी उसकी संतान मैं अपने मूल से पवित्रता के साथ बाबा और मैं मास्टर पवित्रता का संपूर्ण पवित्रता का शांति का साधन बाबा मैं कोई हलचल स्थिर रखे डेट साइलेंस कोई आवाज कोई परम धाम से मैं आती हूँ इस साकार रूप की तरफ बढ़ती चली जा रही हूँ। आदि युग सत्य संपूर्ण प्रकृति विजय माला लेकर धरती आकाश जल वायु संपूर्ण प्रकृति मुझ संपूर्ण पवित्र सुला कला संपूर्ण निर्दिकारी आत्मा का स्वागत कर रही है। मैं आत्मा परम धाम से बाबा से आज्ञा लेकर छुट्टी लेकर अब उतर रही हूँ साकार सत्य संपूर्ण सतोपदान बहुत प्यारा श्री कृष्ण और उसके बगल में एक बहुत दिव्य धन मैं श्री कृष्ण के साथ मैं भी उसके बगल में उस सतोपदान तन में प्रवेश करती डबल ताज रत्न जड़ित ताज पवित्रता का मैं सोला कला संपूर्ण
मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं अत्युदय देवतम श्री कृष्ण के साथ संपूर्ण सर्व प्रधान हूँ। अब श्री कृष्ण के साथ वो खेलना, वो झूला झूलना, जैसा वो दिव्य संस्कारों से युक्त है वैसे मैं भी दिव्य संस्कारों से, वो सत्योगी राहस, वो खेल करे सत्योगी को लक्ष्मी नारायण का दिव्य दरबार और उनके सामने रॉयल फैमिली में उस दरबार में मैं देव आत्मा, मेरा आदि स्वरूप, देव ये मेरा आदि है देवी देवता, डबल ताल थाली दिव्य भवन से स्थान, संपूर्ण सत्य मेरा द्वापर से मेरे कुछ स्वरूप में देखी मंदिरों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर देवी देवताओं के रूप में मेरी मूर्तियां, कहीं वैष्णो देवी कहीं संतोषी माँ कहीं दुर्गा कहीं गणेश कहीं भगवान, लाखों करोड़ों आत्माएं ऊंची ऊंची पहाड़ियों मेरे पूज्य स्वरूप देवी देवताओं मेरे पूज्य स्वरूप की एक झलक देखने के लिए हजारों सीढ़ियां चढ़कर होगा, एक दृष्टि एक झलक मेरी मूर्ति की लगी होगी। मैं कल्याणकारी दुर्गा सब गिनती सितारे नीचे ऊंची पहाड़ी पर अपने उन मंदिरों में जाए, अपनी उन मूर्तियों को चैतन्य में ऐसा अनुभव करे कि मेरा स्वरूप वो अष्टभुजाधारी दुर्गा सबकी मनोकामना है सबके दुर्गुण होने वाला मेरा पूज्य स्वरूप, मैं गणेश शिव का, मैं जहां हूं वहां शिवेश, मेरी फोटो मेरी तस्वीरें रखकर भक्त आत्मा निश्चिंत हो जाते, मेरा पूज्य स्वरूप अपने कुछ स्वरूप तब मेरा संगम यही ब्राह्मण डायरेक्ट सदा श्रीमद पर चलने वाला बाबा की आशाओं का सितारा, मैं सच्चा ब्राह्मण
अच्छी पावर है, ये मेरा डायमंड है, हीरे तुल्य है, ये कल्प की कमाई कर रहा है, ये मेरा ब्राह्मण जीवन संगम युद्धि ब्राह्मण मेरे जैसा सर्वश्रेष्ठ भाग्य किसी का भगवान की पालना में सच्ची कमाई कर रहा है, हीरे जैसा स्वदर्शन चक्र, ये स्वदर्शन चक्र है, 500 रुपए का स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र फिराने से ही बाबा ने कहा माया का गला जो कटेगा ना, इस स्वदर्शन चक्र से ही कटेगा। बाबा ने कहा वैराग्य वेदन में बुद्धि स्वदर्शन चक्र से ही होगी। भक्ति में एक गायन है, भक्ति में महाभारत का उल्लेख, एक योद्धा था बारबरिक। वो योद्धा ऐसा था बारबरिक जो दो तीर में पूरे महाभारत को समाप्त कर सकता था, युद्ध दो तीर में 5 मिनट में। तो ऐसा कहते कृष्ण और अर्जुन जाते हैं उसके पास, तो अब दो तीर में यदि वो खत्म करे तो इतने योद्धाओं का गायन, उनका कर्तव्य तो कुछ होगा ही नहीं, सारा श्रेय इसको मिल जाएगा। कृष्ण के इसको रोके कैसे? तो कृष्ण ने किसी बात से उससे उसका सिर मांग लिया ऐसे, तो ऐसा गायन है। तो एक वही था कहते हैं महाभारत का युद्ध, उसने सिर कटने के बाद ही ये वरदान लिया कृष्ण से कि मैं पूरा महाभारत के युद्ध होने वाला है पांडव कौरव का, वो मैं देखना चाहता हूँ। तो वो कटे सिर को ही ऐसी शक्ति दी कि वो देख सकता था, तो ऊंची पहाड़ी पर उसका सिर रख दिया गया। तो कहते हैं पूरा महाभारत उसने ही देखा पूरा हुआ, तो पांडव विजयी बने। और पांडव फिर सब अर्जुन भी सब पहुंचे कि इस महाभारत का सबसे महारथी कौन था, तुमने देखा है हम सब लड़ रहे थे, बोले ये बताओ किसने ज्यादा मारे शत्रु, कौन कौन महावीर था इस महाभारत युद्ध का, कौन था योद्धा? तो बारबरिक मुस्कुराता है, तो वो सब होते हैं मुस्कुरा कर, बोले कुछ भी नहीं, केवल स्वदर्शन चक्र घूम रहा था, वो इधर भी काट रहा था इधर भी काट रहा था,
और ये छोटे छोटे बच्चे तुम लोग बस ऐसे मरोगों को मार रहे थे, कुछ भी नहीं था। केवल 18 दिन मैंने केवल सुदर्शन चक्र घूमते देखा, बाकी कुछ भी नहीं था। केवल सुदर्शन चक्र काम कर रहा था और कुछ भी काम